यूक्रेन में कत्लेआम मचाने की तैयारी में रूस। जी हां, बड़ा खुलासा हुआ है, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। पुतिन के खतरनाक प्लान के खुलासे का दावा। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर बिना किसी उकसावे के हमला कर दिया और आज एक साल बाद भी हालात सुधरे नहीं है। रूस और यूक्रेन में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में पुतिन ने यूक्रेन के लोगों के खिलाफ एक खतरनाक प्लान किया है जो कि कहर बरपा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले का गोपनीय आकलन किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन के सैन्य कमजोरी, नाकामी, अक्षमता और उनके खेमे से लगातार हो रही मौतों की वजह से ये फैसला किया गया है। पुतिन ने सैन्य बढ़त के लिए मोर्चे पर सैनिकों को लगातार भेजते रहेंगे, लेकिन उनका ये कदम हजारों सैनिकों की कब्रों से होकर गुजरेगा। ये रिपोर्ट यूक्रेन पर रूस के हमले के एक साल बाद पूरा होने के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि पुतिन तीन तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें से एक ये है कि रूस की गतिविधियों से उनके पड़ोसियों पर हमले का खतरा बढ़ सकता है।